हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और यहाँ मैं आ गई हूँ एक रेसिपी लेके। थोड़ा सा अंधेरा है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो ये है परवल, तो इसकी आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, सो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे परवल को मैंने छील के उसकी जो भी अंदर के बीज होते हैं सब निकाल के एक साइड प्लेट में रख ले रही हूँ। और परवल का ये भरवा मसाला बनाएंगे हम, बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पे देखो, मैंने सारे को इस तरीके से निकाल के उसे प्लेट में रख लिया है। फेंकना नहीं है क्योंकि इसका भी यूज है, तो इसे हम बाद में यूज करेंगे। और ये जो है इसकी सारी जो बीज है उसे हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो पहले बीज को अच्छे से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ सारे बीज निकाल लिया है और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के नमक डाल के जो परवल था उसे रख दिया है उबलने के लिए। यहाँ मैंने मसाले लिए हैं, काली मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, जीरा और लहसुन का पेस्ट है। तो यहाँ पे ये लिया है हमने। और यहाँ प्याज लिए है हमने, तो दो प्याज छोटे साइज के। और ये है जलपाई, पता नहीं आप लोग पहचानते हो, अपनी खट्टा यूज करने के लिए। तो आप लोग का मन हो तो इसे डाल भी सकते हो खट्टे के लिए, या नहीं भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो यहाँ पे ये देखो मेरा थोड़ा सा उबल रहा है, तो इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, करीबन 5 मिनट उबाल आने तक ही। यहाँ उबाल के मैंने अच्छे से निकाल लिया है इसे, और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। यहाँ रख दिया तेल गरम होने के लिए, और उसमें वो जो प्याज कट किए थे वो डाला है मैंने। और इसे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से भूंज लेंगे पहले, थोड़ा सा मतलब ब्राउन कलर आने तक। और भूंजने के बाद ये देखो ब्राउन कलर आ गया है। तो जो मसाले थे उसमें मैंने पानी डाल दिया है और नमक भी ऐड कर दिया है उसी में। मसाले के अकॉर्डिंग ही नमक हमें लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है, अब इसे हम लोग अच्छे से भूंजने देंगे। तब तक ये जो है हमारा जो परवल की बीज हमने निकाले थे वो बचे हुए अंदर के, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। वो भी मसाले के साथ ही इसमें भूंजेंगे हम लोग, ताकि ये भूंजते भूंजते उसी में मिक्स हो जाएगी। और इसे करीबन 10 मिनट तो भूंजना ही पड़ेगा, जब तक ये अच्छे से भूंजना चाहिए। देखो भूंजने के बाद ये थोड़ा सा हो गया है और पूरा कलर भी अच्छे से आ गया है। तो यहाँ भूंज लिया हमने, अब उसे हम लोग निकाल लेंगे। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के ये देखो मैंने सब तरफ फैला दिया है। उसके बाद जो परवल है उसे हम लोग निकाल लिए थे थोड़ा हल्का बॉईल करके। अब सारे जो भी मसाले हैं जो भुंजे हुए उसमें हम लोग इसे ऐड करेंगे, उसमें भर देंगे अंदर में। अच्छे से सारों को इस तरीके से भर लिया है। और यहाँ पे जो तेल गरम होने के लिए रखा था मैंने, ये देखो इसमें इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे ढक ढक के फ्राई करेंगे। 5-10 मिनट में अच्छे से पूरा फ्राई हो जाता है, तो इसे ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के हम लोग इसे देखेंगे।
और यहाँ ये हमारा लगभग पक ही गया है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलो मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।